तो ये एक बहुत ही सर आपने इजी कर दिया हमारे क्लाइंट्स के लिए कि वो गाड़ी अपनी पसंद की इंपोर्ट करवा सकते हैं, बल्कि उस झंझट से उनको आपने छुटकारा दिला दिया है। मैं कहता हूँ जी, वर्किंग क्लास में एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उस बेचारे को एक दिन मिलता है संडे का, जिसमें ऊपर उसने जाके हर शोरूम पे, हर जगह पे, हर घर के अंदर जाके उसने गाड़ी ढूंढनी होती जी, मुझे मेरे बजट के मुताबिक गाड़ी मिल जाए। जबकि अगर वो बंदा टाइम निकाले, ठीक हो गया, और हम उसको थोड़ा सा ट्रेन करें, तो वो बंदा ऑनलाइन बैठ के खुद अपने मतलब की गाड़ी खुद खरीद सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से। जिस तरह लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंपोर्ट ओपन हो गई है, आप इजीली गाड़ी इंपोर्ट करवा सकते हैं, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी क्यूरियस थी उसमें आपकी, कि गाड़ी किस तरह से इंपोर्ट होगी और आरडी से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आज आपके सामने। आज हमारे साथ मौजूद हैं द सीईओ ऑफ आवर कंपनी, मोहम्मद अली नियाज साहब। तो इनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली एक टाइम दे दें हमें वीक में, कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर सकें और जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी नई इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें टाइम दिया है, और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जितने भी क्यूरीज हैं उनका प्रॉपर ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए, तो वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो मोर देन वेलकम जी। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इंपोर्ट जैसे ओपन हो गई है, आरडी पता चला है रिमूव हुई है, आरडी बेसिकली है क्या? बेसिकली सीन ये है कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक आरडी जिसे कहते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी, वो गाड़ियों पे लगा दी थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जितनी भी बेसिकली पहले तो इन्होंने गाड़ी की इम्पोर्ट बंद कर दी, ठीक है। जब इम्पोर्ट इन्होंने खोली 3 महीने के बाद, तो छोटी गाड़ियों के ऊपर जो कि 1800 सीसी तक थी, 660 से लेके 1800 सीसी तक जितनी भी गाड़ियाँ थी, उसके ऊपर इन्होंने आरडी जो कि रेगुलेटरी ड्यूटी कहलाती है, इन्होंने वो इम्पोज कर दी 100%। अब क्या हुआ कि जैसे कि एक छोटी गाड़ी 660 सीसी जहाज़ मूव है, मीरा है, वैगन आर है, कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि पाकिस्तान में आती थी जिसके ऊपर ड्यूटी आती थी 10 से 11 लाख रुपया, उसके ऊपर ड्यूटी चलेगी 22 से 23 लाख रुपया। बिल्कुल। अब 3 महीने के बाद इन्होंने इम्पोर्ट तो खोल दी वापस, लेकिन उसके बाद इन्होंने आरडी को रिमूव नहीं किया, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस जो है ये पूरा साल नॉनस्टॉप चलता रहा। अब जाके गवर्नमेंट ने आरडी जो है उसको 100% जो है वो वापस कर दिया है। 31 मार्च को इन्होंने आरडी 100% रिमूव कर दी। बेसिकली ये रिमूव तो होनी थी 28 फरवरी को 2023 को, लेकिन इन्होंने फिर एक महीना एक्सटेंड करके 31 मार्च को इसको 100% आरडी को रिमूव कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर ये काइंडली गाइड कीजिएगा, अब ये रिमूव हुई है तो ये जो जितने भी कार यूजर्स हैं जो गाड़ी इंपोर्ट करवा रहे थे, यूज़ कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है? डेफिनेटली बहुत गुड न्यूज़ है। अब जितने भी यूज़र थे जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवा रहे थे, डेफिनेटली अब वो एक और सस्ती प्राइस में गाड़ी इम्पोर्ट करवा सकते हैं। पहले फ़र्ज़ करें एक 660 सीसी गाड़ी हम बात करते हैं, जब आरडी लगी थी तो उस वक्त वो गाड़ी 3.5 से 4 मिलियन को आराम से टच कर रही थी। और हो क्या रहा था कि लोग जो हैं उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाना छोड़ दी थी, बिल्कुल वो गाड़ियों से बाज आ गए थे एक तरह से, कह रहे थे कि हमने गाड़ियाँ नहीं मंगवानी है। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनी निकाली और इन्होंने आरडी जो है इन्होंने 100% इसको वेव ऑफ कर दी है, तो जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी के ऊपर 23-22-23 लाख रुपये ड्यूटी आ रही थी, उसी गाड़ी के ऊपर अब 10 से 11 लाख रुपये के करीब जो है अप्रॉक्सीमेटली ड्यूटी आ रही है, डिपेंड कि उस वक्त का डॉलर रेट क्या है और अभी किस वक्त कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब व्यूअर्स हमारे इजीली मंगवा सकते हैं मार्केट में, जिस तरह उनको मिल रही है, यही 660 सीसी गाड़ी की बात कर लेते हैं, मूव हो गई, मीरा हो गई, वैगन आ रही, अभी भी इनको 4 मिलियन प्लस की मिल रही है, तो इंपोर्ट करवाने का इनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए इंपोर्ट करने का सबसे पहले इनको फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले ये हमारे साथ बैठ के हमारे पोर्टल पर बैठ के गाड़ियों को देख सकते हैं। पोर्टल का लिंक और पोर्टल की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं अभी आपको नीचे अपने बायो में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। होगा क्या कि एक कोई भी बंदा जो कि गाड़ी बाहर से जापान से या यूके से कहीं से भी वो गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि यार मैंने अपनी पसंद की गाड़ी लेनी है, उसको नहीं पता कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या रिपेयर्ड है या एयरबैग्स ओपन है, और उसको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए। एक बंदा डेफिनेटली अगर 3-4 मिलियन खर्च करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे अच्छी और उम्दा और मियारी और अच्छी चीज़ मिले मुझे, तो डेफिनेटली हमारी ये सर्विस इसके लिए है कि हम उसमें क्या करते हैं कि हम फ्रॉम स्टेप 1 to step 7 हम उसके अंदर गाड़ी जो है क्लाइंट को मंगवा के देते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसका अकाउंट ओपन करवाते हैं। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और गाड़ियों को सर्च करना चाहते हैं कि गाड़ियाँ कितनी कितनी की बिक्री हैं और क्या उनकी कंडीशंस हैं और क्या उनके ग्रेड्स और माइलेज हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमारा एक
कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके साथ अलाइन होगा, जो कि आपको बजट में रहते हुए आपके आपको गाड़ियाँ को कोट करेगा। जब आप गाड़ियाँ वहाँ पे सारी की सारी देख लेंगे, आपकी कॉस्टिंग निकल आएगी, एंड वंस यू आर एग्री टू दैट कि आपने हाँ जी ये गाड़ी आपको पसंद आई और आप ये गाड़ी मंगवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम आपके बिहाफ पे उस गाड़ी के ऊपर बिडिंग करेंगे और उसको ऑक्शन से ख़रीदने की कोशिश करेंगे। हम जब वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं ऑक्शन से, तो उसके बाद हम उसको शिप करवाएंगे टू द डेस्टिनेशन कंट्री। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से गाड़ी पसंद कर रहे हैं और आप कहते हैं यार मुझे ये गाड़ी पाकिस्तान में चाहिए, तो हम आपको वो गाड़ी जापान से ऑक्शन हाउस से बाय करके आपकी पसंद की पाकिस्तान में उस गाड़ी को शिप करवा देंगे। जब वो गाड़ी यहाँ पे शिप हो जाएगी, उसके बाद उसका प्रोसेस आ जाएगा कस्टम क्लियरेंस का और कंसाइनीज एंड ड्यूटीज़ का। तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो भी हमारा ही बंदे आपके साथ आपको करवा के देंगे, जिसके अंदर आपको ड्यूटीज़, कस्टम क्लियरेंस, पासपोर्ट्स, कंसाइनीज सब चीज़ें हम आपको अरेंज करवा के देंगे अंडर वन रूफ। वंस दैट हैज़ बिन डन, ठीक हो गया, तो उसके बाद जब ड्यूटीज़ की अमाउंट आएंगी तो वो आप डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे कि हम पे कर दें, तो हम आपके बिहाफ पे वो पे कर देंगे और हम आपसे वो पैसे ले लेंगे। यानी इसमें कुछ भी हिडन नहीं रहा क्लाइंट से? नहीं, कुछ भी हिडन नहीं रहा। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी आपने गाड़ी पसंद करनी है तो वो आप खुद पसंद करेंगे। आपने गाड़ी की कॉस्टिंग निकालनी है, आपने अपना बजट देखना है, वो आप खुद पसंद करेंगे। अगर आपको गाड़ी का कोई कलर देखना है कि जी मुझे वाइट कलर चाहिए, फोर ग्रेड चाहिए, लो माइलेज चाहिए, एक्सीडेंटल ना हो, तो वो सब कुछ आपने आप खुद करना है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें जी कि मैं फ़लाँ बंदे के पास जाके गाड़ी ख़रीद रहा हूँ और आप उसको बाद में वेरीफाई करवा रहे हैं, बाद में गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट निकल आया है, कोई उसके एयर बैग्स ओपन निकल आए हैं, उसका मीटर जो है उसका पीछे निकल आया है, पेंट गाड़ी निकल आई, तो यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट स्टफ। सिंपल ऑनलाइन जाएं, लॉगिन करें, गाड़ी को सर्च करें, गाड़ी पसंद करें अपनी, उसको इंपोर्ट करवाएं और सारे प्रोसेस जो है आप ऑटो डील से ये सब कुछ करवा सकते हैं। हमारे पास टैलेंटेड स्टाफ है, हमारे पास ट्रेन टीम है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगी कि जी फ्रॉम बाइंग इन जापान टिल कस्टम क्लियरेंस एंड डिलीवरी एट योर डोर स्टेप कैसे होगा। सो वी हैव मेड ऑल द पोर्टल्स जिसके ऊपर आप जाके गाड़ी पसंद भी कर सकते हैं, ड्यूटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें काइंडली सर एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये भी था कि मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से इसमें होती है, इकट्ठी पेमेंट करनी है क्लाइंट ने तो पार्शली करनी है, ये सारे देखिए इसमें सीन ये है कि इसमें इकट्ठी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं जिसके बिहाफ पे हम जापान से आपकी पसंद की गाड़ी जो आपने पसंद की होती है उसके ऊपर हम बिडिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका ऑनलाइन अकाउंट बनता है, आप उसके अंदर जाके बिडिंग करते हैं, आप उसके अंदर खेलते हैं, देखते हैं कि यार ये गाड़ी अगर मैं लेता हूँ मुझे क्या कॉस्ट आती है, मुझे कितने की पड़ती है, सारे उसके अंदर फैक्टर्स मौजूद हैं। वंस आप उसको कर लेते हैं और आप गाड़ी बाय कर लेते हैं, फिर एट दैट टाइम हम आपसे गाड़ी की जो कॉस्ट है उसकी पेमेंट और गाड़ी की शिपिंग की पेमेंट, ये दो चीज़ें हम आपसे लेंगे उस वक्त। बिल्कुल, ये आप डायरेक्ट जापान भी भेज सकते हैं और ये पेमेंट आप डायरेक्ट पाकिस्तान में भी दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड सिनेरियो होता है जब गाड़ी शिप हो जाती है और शिप होने के बाद गाड़ी पाकिस्तान पहुंच जाती है, उस वक्त कस्टम ड्यूटी जो है वो जमा होती है गवर्नमेंट में, ठीक हो गया, वो आप डायरेक्ट खुद भी जमा करवा सकते हैं, हम आपको PSID बना के दे देते हैं, अदरवाइज आप हमें देते हैं तो हम अपने अकाउंट से उसको पे ऑफ भी कर देते हैं। तो ये पार्शल पेमेंट्स हैं, बेसिकली ये तीन पोर्शंस में ये पेमेंट जो है वो हम आपसे लेते हैं। जो CNF आपने बताया गाड़ी की प्राइस और फ्रेट जो होती है शिपिंग चार्जेस, ये PKR में होते हैं या येन में पे होते हैं? देखें बेसिकली तो ये येन में पे होते हैं, ठीक है, गाड़ी की प्राइस फर्स्ट करें, आप एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप कहते हैं यार 6 लाख येन की गाड़ी उठाई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी किस जगह पे खड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या फ्रेट आ रहा है, ठीक हो गया। अगर गाड़ी दूर की है किसी ऐसे एरिया की जो कि पोर्ट से दूर है, तो उस पर 10-15-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाती हैं। अगर तो गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंटल है, स्टार्ट नहीं होती, तो डेफिनेटली उसके ऊपर लोडिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं उसके ऊपर। तो वो हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं क्लाइंट से? हाँ, हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं वो जो करंट एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बहुत ही सर आपने इजी कर दिया हमारे क्लाइंट्स के लिए कि वो गाड़ी अपनी पसंद की इंपोर्ट करवा सकते हैं, बल्कि उस झंझट से उनको आपने छुटकारा दिला दिया। जो बेचारे अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और गाड़ी परचेज करते हैं, कल को जब सेल करना चाहते हैं तो पता चलता है जी गाड़ी एक्सीडेंटल है। एक बंदा है, मैं कहता हूँ जी वर्किंग क्लास में एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल
उस बेचारे को एक दिन मिलता है संडे का, जिसमें ऊपर उसने जाके हर शोरूम पे, हर जगह पे, हर घर के अंदर जाके उसने गाड़ी ढूंढनी होती है जी मुझे मेरे बजट के मुताबिक गाड़ी मिल जाए। जबकि अगर वो बंदा टाइम निकाले, ठीक हो गया, और हम उसको थोड़ा सा ट्रेन करें, तो वो बंदा ऑनलाइन बैठ के खुद अपने मतलब की गाड़ी खुद खरीद सकता है। बिल्कुल ठीक। इम्पोर्ट प्रोसीजर उसको हम सारा गाइड करेंगे, हमारी वेबसाइट पे सब चीज़ें मेंशन भी हैं, वो इम्पोर्ट भी गाड़ी करवा सकता है, ठीक हो गया। वो हमें भी बता सकता है कि जी हमारा ये बजट है, इसके अंदर मुझे गाड़ी मंगवा दें। हमारा स्टाफ उसको उस बजट के अंदर रहते हुए गाड़ियों की डिटेल्स और गाड़ियों के पिक्चर्स और सब चीज़ें उसको शेयर कर देगा, प्लस कॉस्टिंग शेयर कर देगा। तो हमने सब कुछ इतना आसान कर दिया है कि अब इम्पोर्ट जो है, लोगों के ख्वाब होता था कि जी गाड़ी इम्पोर्ट कैसे होती है, अब तो आप किसी भी बंदे को बताएं कि यार ये इम्पोर्ट है, हमारी वेबसाइट विजिट करें, अकाउंट्स बनाएं और आप खुद अपनी इम्पोर्ट कर लें। आप उसके अंदर पैसे भी सेव कर सकते हैं। एक गाड़ी जो मार्केट में आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी 4 मिलियन की मिलती है, जब आप इम्पोर्ट करवाएंगे तो वही गाड़ी आपको 3-3.5 मिलियन के अंदर गाड़ी आपको इम्पोर्ट हो जाएगी आपकी। प्लस गाड़ी का ग्रेड भी होगा, गाड़ी का कलर ऑफ चॉइस भी आपकी पसंद का होगा, माइलेज भी आपकी पसंद की होगी, और इस पूरे प्रोसेस ने 2 से 2.5 महीने लेने हैं, जिसके अंदर गाड़ी क्लियर होके आपके घर के गैरेज में आके खड़ी हो जाएगी। अब सर एक ये चीज़ गाइड कीजिएगा कि गाड़ी मंगवा कौन सकता है, किसके लिए ज़्यादा ईजी है गाड़ी मंगवाना। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल जो है वो गाड़ी नहीं मंगवा सकता। जो कि फॉरेन नेशनल है, ठीक हो गया, वो गाड़ी मंगवा सकता है। और वो गाड़ी की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, गिफ्ट स्कीम, या तो वो गाड़ी अपने ब्लड रिलेशन में गाड़ी को गिफ्ट करे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई को गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, उसकी वाइफ उसके ब्लड रिलेशन में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ना कजन्स आते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है उसके बाद जी, आपका पर्सनल बैगेज, जिसके अंदर क्या सिनेरियो है कि जी एक बंदा जो कि 6 महीने नॉन स्टॉप आउट ऑफ कंट्री रहा है, वो गाड़ी अपने साथ पर्सनल बैगेज में गिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। और तीसरी स्कीम है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, जिसके अंदर एक बंदा बाहर से पाकिस्तान आ रहा है तो वो अपने साथ एक गाड़ी लेके आ सकता है। इन तीनों सूरतों में आपको गाड़ी के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लोग अक्सर सवाल ये करते हैं कि जी अगर मैं अपने साथ गाड़ी ले आता हूँ, मैं बाहर से पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं गाड़ी ले आता हूँ, तो उसको भी भाई ड्यूटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए रखी है, तो पाकिस्तानी बंदा तो वैसे ही गाड़ी नहीं ले सकता। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी आ जाते हैं हमारे फॉरेन नेशनल में? जी जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सारे वही हैं ना। बिल्कुल, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ही गाड़ी सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ उसके अंदर ये 3 स्कीमें हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम। तो इसमें उन्होंने जस्ट गाड़ी की ड्यूटी पे करनी है या कंप्लीट पेमेंट जितनी भी होगी ट्रांजेक्शन्स वो सारी पे करनी है? नहीं, देखिए इसके अंदर बेसिकली जो गाड़ी की ड्यूटी है वो बाहर से उनके अकाउंट से पाकिस्तान में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी पॉलिसी में जा रहे हैं। अगर वो गिफ्ट स्कीम में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसे बाहर से अपने ब्लड रिलेशन को गाड़ी में गिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरह मनी एक्सचेंज के थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके थ्रू भी वो भी एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखिए अगर कोई बंदा मनी एक्सचेंज के थ्रू पैसे भेजता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। पैसे जो हैं, फर्ज कर एक बंदा है वो लंदन बैठा हुआ है या अमेरिका बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे भेजेगा जिसको वो गिफ्ट कर रहा है उसके पर्सनल अकाउंट के। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये बड़ा एक क्लियरली चीज़ है, क्या है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो बंदा गाड़ी गिफ्ट कर रहा है वो अपने पर्सनल अकाउंट से, कंपनी अकाउंट से नहीं, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे भेजेगा पाकिस्तान के अंदर जिसको वो गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, जो कि उसका ब्लड रिलेशन है, उसके पर्सनल अकाउंट। वो डॉक्यूमेंट्स जब बनेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे एज अ PRC प्रूफ ऑफ रेमिटेंस के तौर पे, ठीक हो गया, कि जी पैसे इसके बाहर से आए हैं जिसके बिहाफ पे इसकी गाड़ी की ड्यूटी पे होगी। वो कागज़ जमा होंगे कस्टम्स के अंदर, कस्टम्स उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद क्लियरेंस मिलेगी और फिर आपकी गाड़ी बाहर आएगी। ये तो सर बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मेरे ख्याल से हमारे 90% जो कार यूज़र्स हैं उनको इस बारे में नहीं इल्म होगा, सिवाय उनके जो इस वक्त गाड़ियों का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना ज़्यादा डीपली कन्वे किया हमारे व्यूअर्स को। नहीं जी, यू आर मोर देन वेलकम। और डेफिनेटली हमारी तो ये कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम जो अपने यूज़र को मैक्सिमम चीज़ें गाइड करें, उनको बताएं, उनके लिए आसानियां पैदा करें, उनको पता हो कि गाड़ी इंपोर्ट होती कैसे है, तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि लोगों को बेसिकली पता ही नहीं है कि गाड़ी इंपोर्ट वो खुद भी करवा सकते हैं। उनको किसी भी बंदे की ऐसी सच ज़रूरत नहीं है कि जी वो मार्केट जाएं, गाड़ियां खरीदनी हैं, कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और फिर पीस ऑफ माइंड ना मिले, तो ऐसे काम का फ़ायदा क्या है। तो इट्स वेरी इजी कि आप ऑनलाइन बैठें, गाड़ी सेलेक्ट करें
और अपनी गाड़ी को परचेज करें। बिल्कुल सही, इसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि गाड़ी की उनको कंडीशन क्या मिल रही है, कितनी माइलेज है, और ये प्लस पॉइंट होगा कि फर्स्ट ऑनर गाड़ी होगी, जिसको यहाँ पे पाकिस्तान में कंसीडर किया जाता है कि कितने ऑनर चल चुकी है। सर लास्ट क्वेश्चन एक मैं आपसे करूँगा कि जिस तरह मार्केट में आपको पता है कि काफ़ी इम्पोर्टर्स भी बैठे हुए हैं, लोगों को ज़्यादातर जिस चीज़ का खदशा होता है वो उनकी पेमेंट की सिक्योरिटी का होता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करते हैं इसमें ऑटो डील्स उनके लिए क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से उनको लेके चल रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें यहाँ पे इस वक्त आप समझ लें कि हर गली के अंदर ये इम्पोर्टर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। आप किसी भी चौक पे चले जाएँ तो वो भी इम्पोर्टर अपने आप को कहलाता है कि जी मैं भी इम्पोर्टर हूँ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपने गाड़ी इम्पोर्ट करवानी है और आपने ये डिसीजन लेना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी रिप्यूटेबल इम्पोर्टर से गाड़ी मंगवाएं। अगर आप बात करते हैं ऑटो डील्स की कि ऑटो डील्स क्या सर्विसेज दे रहा है उसके अंदर, तो ऑटो डील्स सारी सर्विसेज दे रहा है बाइंग से लेके उसकी शिपमेंट तक। इसके अंदर वहाँ जापान का सारा पेपर वर्क, वहाँ से एक्सपोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद शिपिंग लाइन के क्लियरेंस करना, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद यहाँ पे लोकल डिलीवरी। सो हम हर चीज़ क्लाइंट को करके दे रहे हैं और हम जो काम करके दे रहे हैं वो सारा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट करके दे रहे हैं। बिल्कुल सर। हम इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं कर रहे हैं कि हम कहें गाड़ी की प्राइस कितनी थी, वो भी क्लाइंट के सामने है। हर चीज़ हम क्लाइंट को ओपन उसके सामने उसको शेयर कर देते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया है जिसमें मुझे जो समझ आती है कि जो क्लाइंट है उसने जस्ट अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करनी है, उसके बाद उसने टोटली टेंशन फ्री हो जा रहा है, सारा पेड़ उसका आपने ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारी तो ये कोशिश है कि हम मैक्सिमम जो है क्लाइंट की जो पेन है वो हम लें और हम उसको मैक्सिमम जो है गाइड करें और हम उसको बताएं कि यार आप कैसे जो है पैसों को बचा भी सकते हैं, और अगर आपने पैसे बचाने भी हैं और साथ आपको एक अच्छी और उम्दा मियारी चीज़ मिल रही है आपको और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में क्लाइंट्स को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है उसे डेफिनेटली मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ। 660 सीसी गाड़ी से लेके वो प्राडो क्रूजर, लैंड क्रूजर, लेक्सिस, जोन सी मर्दी चीज़ मंगवाएं, रेंज रोवर मंगवाएं, इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज सर आपने कन्वे किया हमें डीपली तरीके से, और अपने व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस सर्विसेज से मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी किस्म की, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं autodeals.pk, वहाँ पर आप अपनी क्यूरी सबमिट करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मज़ीद अपने जो भी आपकी सजेशंस हैं हमें लाजमी दिया करें। कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे लाजमी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, और आपके साथ इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। सर आपसे फिर इंशाल्लाह टाइम लेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।